हमीरपुर नगर परिषद में फर्जी बीपीएल और अंत्योदय परिवारों पर गैस गिराने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और नगर परिषद के करीब सैकड़ों परिवार पिछले काफी समय से सरकारी स्कीमों का लाभ ले रहे हैं। नगर परिषद के पास पहुंची शिकायतों के बाद निर्णय लिया गया है कि जिसके तहत एक कमेटी का गठन करके करीब 300 परिवारों की जाँच की जाएगी। गौरतलब है कि हमीरपुर शहर में कई दर्जन ऐसे बीपीएल परिवार पात्र बने हुए हैं जिनके पास आलिशान भवन के अलावा कार और एसी की सुविधा है, जिसके चलते अब नगर परिषद ने ऐसे परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने पुष्टि करते हुए बताया कि नगर परिषद हमीरपुर में करीब 300 ऐसे बीपीएल परिवारों की डिटेल आई है जिनके पास सभी सुविधाएं हैं और ऐसे परिवारों की सूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी। आईआरटीपी की जो बात है वो सरकार की तरफ से इसका कानून है कि उस परिवार की आमदनी 36,000 रुपए साल की चाहिए, वो आदमी आईआरटीपी में बीपीएल में या अंत्योदय में आते हैं। इसका मतलब यह है कि उसको 100 रुपए रोज की आमदनी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी सिर्फ 100 रुपये और शहर में रहता हो। तो ये हमारे पास 200-250 केस हैं, इसलिए नगर परिषद में हाउस में बात रखी गई कि इनकी थोड़ी इंक्वायरी की जाए और जो इसके पात्र हों को रखा जाए। बाकी लोगों के पास दो दो मंजिल बिल्डिंग है, कारें हैं, एसी लगे हुए हैं, कुछ लोग तो घर में सर्विस भी कर रहे हैं, ये सरासरी बेईमानी है। अगर इसे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक इंक्वायरी की जाए तो ये लोग इसमें नहीं आएंगे।